तो जस्ट अभी जो है ना अभी सो के उठा, तो अभी चलते हैं, रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं समारा मेडिकल यूनिवर्सिटी और आप लोगों को जो है ना दिखाते हैं समारा सुदर्शनी मेडिसिन की यूनिवर्सिटी। तो फाइनली जो है ना मैं रेडी हो गया, नहा धोवा के एकदम फर्स्ट देख रहा हूँ ना, तो अभी जो है निकलते हैं, टैक्सी करते हैं और फिर निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। अभी जो है ना मैं अपने फ्लैट के गेट से बाहर निकल रहा हूँ। ये देखो भाई क्या मस्त बाइक है, BMW। ये देखो, तो अभी जो है ना टैक्सी आ चुका है, अभी चलते हैं टैक्सी में बैठते हैं और 5 से 8 मिनट में जो है ना पहुँच जाएंगे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर आप लोग को जो है ना चल के दिखाते हैं। तो जस्ट अभी जो है ना मैं पहुंचा हूँ यूनिवर्सिटी के पास, मीन्स यूनिवर्सिटी के पास नहीं, यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग के नीचे हूँ, ये रहा यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग। तो अभी चलते हैं, इंटर करते हैं अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर और सबसे पहले हम जाएंगे डीन ऑफिस में। डीन ऑफिस में जाके डीन लोगों से मुलाकात करेंगे, विजिट करेंगे डीन ऑफिस, फिर चलते फिर अंदर चल के जो है ना आप लोगों को दिखाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल रसिया मेडिकल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सबसे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इंटर करते हैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग डीन ऑफिस में, जिसको रशियन में डेकानाथ बोलते हैं। ये देखो भाई, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फॉरेन डीन ऑफिस में हूँ और यहीं पे जो है ना वाइस रेक्टर का ऑफिस है, आप इधर देख सकते हो। और ये बिल्डिंग जो है ना डीन ऑफिस का बिल्डिंग है और यहीं पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है फॉरेन स्टूडेंट का यहीं पे होता है, जैसे वीजा एक्सटेंशन हो गया, डीन, वाइस डीन, ये लोग का डीन, वाइस डीन, इन सब का ऑफिस जो है ना इसी बिल्डिंग में। यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री के बारे में जो है ना, कैसे कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन टीचर पढ़ा रहे थे और अभी पढ़ा रहे हैं, सबका पूरा है। और जो जो डिप्लोमा ले चुके हैं देख रहे हो ना आप, यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस रूम में जो है ना मैंने आप बोल सकते हो एक टाइप का समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जो है हिस्ट्री बताते हैं। अभी जो है ना मैं यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, यही बिल्डिंग जो है ना मेन बिल्डिंग है हमारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और मेरे साथ है कुशल और ये मेरा दोस्त है, मैं कोटा में हम दोनों साथ में ही थे और अभी जो है ना समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा है। तो अभी जो है ना समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है ना कुशल पढ़ रहा है। और कुशल कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ। और किस ईयर में तुम? यहाँ पे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में वो ये जो है ना रिपीट किया था एक साल, इसीलिए जो है ना थोड़ा पीछे हो गया, मैं जो है ना थोड़ा आगे हो गया। नहीं तो कोटा में जो है ना हम दोनों साथ में ही थे मोशन इंस्टीट्यूट में। और कैसा है सिटी? समारा तो बहुत अच्छा है। अगर व्यू की बात करें तो व्यू भी तो हर चीज़ प्यारी है रशिया में तो ऐसे तो। हाँ, पर अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, मेन जो बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं, हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत प्यारा है इसका। और अगर बात करें टीचर्स की तो वैसे तो टीचर्स भी अच्छे हैं, काफ़ी से सब्जेक्ट जैसे फार्मा वगैरह के टीचर हमारे बहुत प्यारे हैं। अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो पास तो नहीं होने देंगे, लाइक इंडिया। हाँ, मीन्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ अच्छा है समारा में, बहुत अच्छा है। और हॉस्टल्स वगैरह?
हॉस्टल्स वगैरह भी अच्छे हैं, बस यही है कि मतलब थोड़ा तुम्हें डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, प्रॉपर से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हॉस्टल है तो डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ज्यादा डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, थैंक यू कुशन। ये वाला जो उड़ीसा, इसको जेपेट काया बोलते हैं, शायद 87 करके हैं, और इधर लेनिन क्रास्काया 49 है। और ये एक सेकेंड बिल्डिंग है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का, और यूनिवर्सिटी के सामने नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे शॉप्स भी हैं यहाँ पे, पूरा स्ट्रीट्स है, आप घूम सकते हैं। और ये जो है ना, ये वाला स्ट्रीट सीधे जाता है वोल्गा रिवर, तो अगर आप ये स्ट्रीट सीधे जाओगे तो रिवर जैसे हमारे रोस्तम में डॉन रिवर है, उसी तरह जो है ना यहाँ वोल्गा रिवर है, यहाँ से अप्रोक्स 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यूनिवर्सिटी जो है ना एकदम सिटी सेंटर में सिचुएटेड है, आप जैसा देख सकते हो, आपको यहाँ का पूरा अगल बगल का एरिया देख के ही पता लग गया होगा कि यूनिवर्सिटी जो है ना सिटी सेंटर में है। रास्ते से नियत ना यूट्यूब कनाल दा। तो अभी जो है ना हम लोग यूनिवर्सिटी के पास वाले स्ट्रीट पे ही घूम रहे हैं, और मेरे साथ कुशल भी है, कुशल जो है पूरा स्ट्रीट का जो है ना व्यू बता रहा है। ये अभी यूनिवर्सिटी के पास में है, ये रहा यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, और ये यूनिवर्सिटी के सामने का पूरा स्ट्रीट है। सामने जस्ट यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के सामने जो है ना फूड सिटी, फूड कॉर्नर वगैरह है, था हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जहाँ पे डीन ऑफिस, डीन, वाइस रेक्टर, रेक्टर लोग बैठते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वीज़ा एक्सटेंशन का, वीज़ा का, वो सब जो है ना इसी बिल्डिंग से होता है। और कल जो है ना मैं जाने वाला हूँ हॉस्टल हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो हॉस्टल के टूर का वीडियो जो है ना सुन आएगा। और आज शाम को जो है ना डिप्लोम है लैंग्वेज कोर्स वालों का, तो अभी हम लोग वहाँ भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना अभी निकलूँगा फ्लैट, फ्लैट में चल के थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर जो है ना आएंगे, तो शाम का जो है ना ब्लॉग दूसरा होगा, क्योंकि ये ब्लॉग को फिर कंटिन्यू करूँगा तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग, तो मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है ना एडमिशन ओपन हो चुका है 2023 के, आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो एडमिशन से रिलेटेड, तो मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन तो मेरा जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है ना उस पर संपर्क कर सकते हो। तो एवरी डे जो है ना मैं 6 से 8:30 बजे तक जो है ना शाम में अवेलेबल हूँ, आप हमको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हो, और मैसेज जो है ना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे हो तो कभी भी कर सकते हो। और संडे को 12 बजे से लेके इवनिंग में 8 बजे तक, 8:30 तक जो है ना आप हमको कॉल या मैसेज कर सकते हो, तो आप हमको कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।